रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज और इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली की मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर। यहाँ एक ऐसा जो है वो केस सामने आया जिसे सुनकर हम लोग भी सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या हुआ। यहाँ दो सगे भाई बताए जा रहे हैं, ललित और जयकिशन, जो कि अपने माता पिता के साथ, ये जो मकान आप मेरे सामने देख रहे हैं इसी मकान के टॉप फ्लोर पर रहते थे। और हुआ ये कि रविवार की रात को जयकिशन बताया जा रहा है किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता था, लेकिन रविवार रात को वो काफी ज्यादा नशे की हालात में जब घर पे वापस आया तो उसके और उसके बड़े भाई ललित के आपस में किसी बात पर कहा सुनी हुई और वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि ललित ने गुस्से में आकर किसी धारदार हथियार से उसका गला रेत दिया और कुछ ही क्षणों में जो जयकिशन था उसने वहीं दम तोड़ दिया। लेकिन घर में माता पिता भी मौजूद थे, झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि भाई को भाई की हत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। बताया गया है कि जो मृतक है वो नशे का आदी था और रोजाना नशा करके घर आता था और लगातार लड़ाई झगड़े इन लोगों के बीच में होते रहते थे। डर इनके अंदर इस कदर बैठ गया कि इन्होंने अपने ललित मृतक का बड़ा भाई, उसने अपने मृतक भाई जयकिशन जिसका नाम बताया जा रहा है उसको एक कंबल में लपेटा और बेड के नीचे उसको लगा दिया और इसी तरीके से 3 दिन बीत गए। लेकिन किसी तरीके से पड़ोसियों को या प्रशासन को ये सुराग लग गया और प्रशासन जब यहाँ पहुंचा, पुलिस प्रशासन यहाँ जब पहुंचा तो लाश को बरामद कर लिया गया और जयकिशन और उसके पिता को अरेस्ट कर लिया गया। अभी हमारे दो पत्रकार, मैं और मेरी जो साथी पत्रकार थी, हम लोग नीचे खड़े थे, लेकिन हमारे जो साथी पत्रकार थे देव और शंकर जी, जब वो ऊपर पहुंचे परिवार को देखने की यहाँ कोई मौजूद है या नहीं है, तो ऊपर मृतक की माता जी मौजूद थी जो कि सदमे में थी, जो हमसे बात नहीं कर पाई। उन्होंने लेकिन हमारे पत्रकार देव और शंकर जी को इतना बताया कि मेरे पति और मेरे बेटे जिसने हत्या की उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी क्योंकि उनकी हालत ठीक नहीं थी, वो नहीं बोल पाई। लेकिन जब हमने यहाँ मौजूद पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की, आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ 3 महिलाएं बैठी हैं, एक महिला स्वेटर बुन रही है और 2 महिला, ये तीनों महिलाएं आपस में बातें करने लगी हुई हैं। यहाँ आसपास सभी के घर हैं, एक महिला यहाँ भी खड़ी है, हमें देखकर यहाँ भीड़ हो गई है। सामने भी आप देख सकते हैं महिलाएं खड़ी हैं, पीछे भी लोग खड़े हैं जो हमें देख रहे हैं। लेकिन जब हमने इनसे बात की और पूछने की कोशिश की कि आखिर माजरा क्या था, आखिर हुआ क्या, तो इन लोगों ने हमसे बात ही नहीं की, इन लोगों ने कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। इन लोगों ने ये कहा हमें नहीं पता, हमने इन लोगों को कभी देखा ही, ये लोग कभी ऊपर से, इन लोगों ने कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। इन लोगों ने ये कहा हमें नहीं पता, हमने इन लोगों को कभी देखा ही नहीं, ये लोग कभी ऊपर से नीचे उतरते ही नहीं थे, ना हमने इनको कहीं आते जाते देखा, हमें ये ही नहीं पता था कि इनकी फैमिली में कितने सदस्य हैं। तो ये चौंका देने वाली बात होती है कि बिल्कुल घर के साथ में जो घर है, इधर भी सामने भी, ये भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग के सामने बनी हुई है, तो क्या किसी को ये नहीं पता था कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, या आमने सामने कभी किसी ने किसी को नहीं देखा? ये थोड़ा सा हम लोगों को भी हजम नहीं हुआ और मुझे इस पे थोड़ा सा संदेह है कि आखिर पड़ोसी बोलने को राजी क्यों नहीं है। लेकिन माँ जो है लड़के की, वो वाकई में सदमे में है, वो बोल नहीं पा रही है। पुलिस प्रशासन ने ललित जिसने की हत्या की और उसके पिता दोनों को अरेस्ट किया हुआ है। अब मामला क्या है, हुआ क्या, किस वजह से झगड़ा हुआ, ये हम आपको सही से नहीं बता पाएंगे क्योंकि यहाँ हमें कोई बताने को राजी ही नहीं है। कैमरा पर्सन देव सिंह के साथ मैं रेखा दुग्गल, ओपन चैलेंज 24 न्यूज। क्या हुआ था पूरा क्या नाम अम्मा? विनोद कुमार। हैं? विनोद कुमार। आपका क्या क्या मामला था पूरा, क्या हुआ था? मैं परेशान हूँ तुम्हारे हाल जो नहीं हुआ क्या था ये आप बताइए जरा। बस हो गया जो होना था। आपका जो हुआ था वो लड़का बड़ा था या छोटा था? छोटा था। हाँ, उसका क्या नाम था? मैं कह रही हूँ भाई बेटा मत परेशान करो मुझे, बस मैं कुछ बोलने इतनी हिम्मत नहीं है मेरे पास। कोई और है क्या बोलने वाला? नहीं, घर में कोई मेरे आदमी नहीं है। अच्छा, उसका क्या नाम था लड़के का?
नाम हम पूछने से बेटा कोई फायदा नहीं है। क्यों कह रहे हैं? हमारे साथ खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ओपन चैलेंज 24 न्यूज़। नमस्कार।